एक फिल्म आई है द केरल स्टोरी, उसको लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दो तरफ से दो तरह के व्यूज आ रहे हैं। असद ओवैसी कहते हैं कि एक नफरत फैलाने वाली फिल्म है, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी इसका विरोध किया है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं मानता हूं कि ये सामाजिक समस्या है और देश ने और राजनीतिक दलों ने सामाजिक समस्याओं को आंख मूंद कर नहीं देखना चाहिए। इसका सामना भी करना चाहिए, इसके समाधान भी ढूंढने चाहिए। सहामरूप वृत्ति से सामाजिक समस्याओं का सामना नहीं किया जा सकता। जी, मेरा अगला सवाल है, क्या जिस तरह से बार बार कांग्रेस पार्टी कहती है कि विपक्ष समूचा कहता है कि सारी एजेंसियां उनके खिलाफ लगा दी गई हैं, और उसका भी एक असर होता है जब चुनाव में जाता है कोई, तो उसको आप कैसे देखते हैं? चलिए 13 तारीख को देखिए क्या असर होता है। मेरा आखिरी सवाल होगा, आज हमने आपके साथ पूरा दिन बिताया, आपने भी अपने कई कार्यक्रम पिछले काफी दिनों से आप कर्नाटक में आए, कार्यक्रम करे, लगभग लगभग 50 कार्यक्रम आपने करे हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है, कितनी सीटें बीजेपी को आ रही है? देखिए, हम पूर्ण बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। कर्नाटक में हम हाफे मार्क प्लस 15 सीटें मिनिमम प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित शाह जी अपना समय देने के लिए, धन्यवाद। नमस्कार।